वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीज किचन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के साथ बनने वाला बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनाने में बहुत आसान है इसके साथ में ही बिल्कुल जो घर में इंग्रेडिएंट्स हमारे अवेलेबल होते हैं उनके साथ ही हम बनाकर तैयार करेंगे कुछ भी आपको खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा सारे इंग्रेडिएंट्स आपको किचन में ईजिली मिल जाएंगे चार से पांच इंग्रेडिएंट्स के साथ ये स्नैक बनकर तैयार हो जाता है और वो भी इतना सारा कि आप इसे गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और आसपास में भी खिला सकते हैं लोगों को अब शुरू करते हैं एक डो फॉर्म करने से जिसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है प्लेन फ्लार अगर आपके घर में ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल व्हीट फ्लार के साथ भी इसे बना सकते हैं थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर सकें उससे इसमें डाल दें थोड़ी सी अजवैन मैंने डाल दी इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और बस इसे अब सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स और यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद इसकी कुछ जो आ, बाइंडिंग है इस तरह से आनी चाहिए मतलब इसमें परफेक्ट मोइन लग चुका है अगर एक बार में ही आपका फ़्लावर इस तरह से बाइंड ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके और फिर मिक्स करके फिर देखिए तो ये अच्छे से बाइंड होगा थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बस मैंने सारे आटे को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे टेन मिनट्स के लिए और तब तक हम बनाएंगे आलू के साथ एक फिलिंग जैसे कि मैंने बताया था अभी तक कोई भी इंग्रीडियंट मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया है जो किसी के भी घर में अवेलेबल ना हो आलू भी सबके ही पास होते हैं बस आपने लेना है इन्हें और सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया है मैंने आमचूर पाउडर थोड़ा सा ये मैंने आलू का मसाला ऐड किया है जिससे बनाने के लिए मैंने ये सूखी मिर्च और खड़ा धनिया इसके साथ में ही थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया था इसमें मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया थोड़ा सा इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया चुटकी भर गर्म मसाला पाउडर और इसके साथ में ही हल्का सा भुने ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और साथ में ही इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टू टी स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और ऐसे ही बहुत सारे इंग्रीडियंट्स जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं उन्हें आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर जाना है चाहे तो इसमें टर्मरिक या फिर कलर भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल ऑप्शनल है और बस कलर के लिए आपने उसे ऐड करना है यहाँ पर अब हमें इस आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है साथ में ही मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दिया इसके साथ में ही एक लेमन को स्क्वीज़ करके इसका जूस ऐड कर देंगे इसके साथ साथ में ही मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी एक औरटल लीवस इसके साथ में ही मैंने टर्मरिक पाउडर इसमें डाल दिया है आप चाहें तो आप इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करें और अगर ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अच्छा साइड कर दिया और दो को चेक कर लेंगे तो कुछ देर के बाद जब मैंने इसे ओपन किया तो ये हल्का सॉफ्ट हो चुका था बस इसी तरह से अब हमें इसको इस्तेमाल करना है जिसके लिए मैंने इसे एक क्लीन काउंटर पर निकाल लिया है और अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से रोल करेंगे और जितना हो सकेगा स्मूथ करेंगे देखा आपने बहुत कम प्रेशर देना था इस पर और जैसे कि इसकी जो लेयर्स हैं वो तरह से बरकरार रहे हैं, और बस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है यहाँ पर मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके बाद ये देख सकते हैं इनको हल्का सा राउंड कर लिया है बहुत कम प्रेशर के साथ अब यहाँ पर हमें इसे अच्छे से कर लेना है रोल तो यहाँ आप किसी भी शेप में इसे रोल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है इस, इस काम में तो फिर आप किसी भी शेप में इसे रोल कर लें और इसके बाद आप इसके साइड्स को इवन कर लेंगे जिस तरह से मैं बताऊँगी तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा से ये सा अन ईवन सा रेडी हुआ था लेकिन फिर भी मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ पर अवॉइड करें कि आप इसको सर्कुलर शेप में ही इस तरह से रोल करें मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है और इसके बाद एक दूसरी दो शीट के साथ ऐसे कवर कर दिया है सेम विथ के साथ मैंने इसे भी रोल किया था बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना है बस बारीक सा आपने इसे बिल कर तैयार करना है और एजेस पर लगा दूँगी पानी और इसे सील कर देना है इस तरीके से और इसके बाद आपने जो एक्सेस में दिख रहे थे ना इसके कॉर्नर्स उन्हें रिमूव कर देना है तो यहाँ पर अब मैं एक पिज्ज़ा कटर को इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह से इसको लंबे लंबे से शेप्स देने हैं हमें और यहाँ पर आप चाहें आप एक शार्प नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट्स इट और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पतला चाहें तो आप वैसे बना सकते हैं और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसकी जो विद है उसे रखा है जिससे कि इसका शेप और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे तो यहाँ पर इसको फिर इस तरह से आपने ट्विस्ट करते जाना है एक एक को उठा और बहुत आसानी के साथ ही इस तरह से ट्विस्ट हो जाते हैं सारे इसी तरह से करके तैयार कर लेने बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी बच्चे को भी ये काम दे सकते हैं करने के लिए और वो भी बहुत ही जॉयफुली इस काम को पूरा करेंगे तो यहाँ पर अब मैंने क्योंकि थोड़े से ज़्यादा लंबे थे इसलिए बीच से इन्हें डिवाइड कर दिया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट ये देख सकते हैं आप रेडी हो गए जब आप इसे उठाएंगे तो इसका ट्विस्ट जो है बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं बस डो आपका ठीक होना चाहिए और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई तो बस मीडियम हीटेड ऑयल में जिस तरह से हम समोसा बनाने के लिए फ्लेम को रखते हैं ना ऑयल को जितना हीट करते हैं उस तरह से ही आपने रखना है क्योंकि ये जो बाहर वाला इसका क्रस्ट बनाना है ना मैं उससे बहुत अच्छे से ध्यान देकर बनाना है क्योंकि जितना अच्छा क्रस्ट होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसे खाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल लेयर्स वाला फ्लेकी ये क्रस्ट है अंदर इसके साथ में बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी से आलू हैं बिल्कुल भी इसने ऑयल नहीं सोक किया था सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी मुझे आप देख सकते हैं जब मैंने इसे क्लोज़ करके दिखाया आपको तो इसमें बहुत कम ऑयल है और बहुत आसान तरीके से बना है ऑफकोर्स आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं दो दिन के लिए अगर आप किसी दूर के सफ़र में जा रहे हैं तो आप घर से इसे एज़ स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहें तो गेस्ट के लिए भी आप एक दिन पहले बनाकर स्टोर कर सकते हैं आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ग्रीन चटनी सॉस या फिर रेड चिली सॉस किसी भी चीज़ के साथ आप इसे ट्राई करें अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा तो यहाँ एक बैच मैंने फ़्राई करके रख लिया है और दूसरा वाला बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए और यह आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेलाइकिन को हित करें ऐसा करने से आप कभी भी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे एंड यार दिस इज इट फॉर टुडे टुडेज वीडियो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ देन, अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो